हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मसाला पाव बनाना सिखाऊंगी। जब कभी भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप अपने घर में मसाला पाव बना के जरूर खाएं। आइए, मसाला पाव के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक चम्मच रिफाइंड चाहिए और उसी में हमें ये थोड़ा बटर है ये चाहिए, और ये आधा नींबू है, और थोड़ा हरा धनिया है। एक बड़ी प्याज है जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। एक टमाटर है उसको भी हमने बारीक काट लिया है। एक छोटी शिमला मिर्च ली है हमने, उसके हमने बीज निकाल लिए और उसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। और ये दो उबले हुए आलू हैं जिनको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें दो लहसुन की कलियां हैं और थोड़ा सा अदरक है जिसको हमने क्रश कर लिया है, और दो हरी मिर्ची है। और मसाले में हम लेंगे एक चम्मच पाव भाजी मसाला, एक चम्मच सेंधा नमक और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आइए अब हम अपनी कढ़ाई में एक चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल लेते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम अपना थोड़ा बटर डाल लेते हैं। बटर को थोड़ा सा हम पिघलने देते हैं इसके अंदर। देखिए हमारा बटर और तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं अपनी एक कटी हुई प्याज, इसको भी हम आंच को अभी हमने फुल रखा है। प्याज को हम थोड़ा सा ही भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। देखिए एक मिनट हो चुकी है। अब इसी में हम अपने कटे हुए टमाटर डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से हिला देते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम अपनी एक छोटी शिमला मिर्च को जिसको हमने बारीक काटा था हम वो ले लेते हैं, इसको भी अच्छे से हम हिला लेते हैं। इसी को हम 3-4 मिनट के लिए थोड़ा मीडियम आंच पे पका लेते हैं। देखिए हमने प्याज को हल्का सा भून के इसमें अंदर टमाटर भी डाल दिया और शिमला मिर्च भी डाल दी। इसी के साथ हम अपना अदरक और लहसुन को जो हमने क्रश किया था उसको भी डाल दिया है, और जो हमारी दो हरी मिर्ची थी जिसको हमने काट लिया था वो भी डाल दिया। इसको हम अब ढक्कन लगा के 3-4 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब अपने ढक्कन को हम हटा देते हैं। अब इसके अंदर हम अपने मसाले डाल देते हैं, पाव भाजी मसाला, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, इनको डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको भी सिर्फ हम कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे। इसको हल्का सा हम मैश कर देते हैं। अब इसमें हम अपने उबले हुए आलू डाल देते हैं और इसके अंदर बिल्कुल हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, सिर्फ 3-4 चम्मच के करीब पानी डालना है, क्योंकि नहीं तो ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसको हल्का सा पतला करना है क्योंकि ये मसाले में बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे अच्छे से लग जाएगा और इसको खाने में बहुत ही स्वाद आएगा हमें। देखिए इसको हमने इतना पतला रखना है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही लीजिए इसमें। अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं
तो थोड़ा सा आप लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, नींबू को हल्का सा निचोड़ देते हैं और थोड़ा सा इसमें हम अपना हरा धनिया डाल देते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारा मसाला बनके हो गया है रेडी। अब इसी को हम मसाले को साइड कर देते हैं और थोड़ा सा मसाला हम अपने इधर रख लेते हैं, जिसमें हमने अपने पाव को अच्छे से सेकना है, धीमी आंच पे सेकना है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से हम दबा देते हैं, ऊपर से भी इसके हम मसाला थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। ये हमारा मसाला पाव बन के हो गया है तैयार। इसको एक बार हम अच्छे से पलट देते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जितना ये देखने में सुंदर है उतना ही ये खाने में टेस्टी है। अब इसको हम अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए मसाला पाव बन के हो गया है रेडी। आप इसको अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।